हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे व्रत के लिए स्पेशल आलू के पापड़। ये आलू के पापड़ बनाना बहुत ही आसान है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और इनको हम एक साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं टेस्टी से आलू के पापड़। आलू पापड़ खिचिया बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर हमने कुकर रख दिया है और कुकर में हम डाल देते हैं 1 से 1.5 किलो आलू। तो आलू को अच्छे से वॉश करके फिर आप बॉईल करें ताकि इसके अंदर धूल मिट्टी ना लगी रहे। और जो बड़े साइज के आलू होते हैं उनको हम बीच में से कट करके फिर उबालेंगे, क्योंकि इससे ये जल्दी से उबल जाते हैं। और उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं पानी। तो पानी डालकर हम कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं और 3 से 4 सीटी आने तक हम आलू को बॉईल करेंगे। और अभी आप देख सकते हैं हमारे आलू उबल चुके हैं और अच्छे से आलू उबल चुके हैं। तो आलू को अभी हम ठंडा होने के लिए कुकर से बाहर निकाल देते हैं। तो सारे आलू को हम कुकर से बाहर निकाल देते हैं ताकि ये ठंडे हो जाए। उसके बाद हम इसका छिलका उतारेंगे और अभी आप देख सकते हैं आलू हमारे ठंडे हो चुके हैं। तभी हम इन आलू का छिलका उतार लेते हैं। और इस तरीके से हम सारे आलू का छिलका उतार लेते हैं। आलू का छिलका उतारने के बाद हम आलू को कद्दूकस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कद्दूकस ले लिया है और इस कद्दूकस की सहायता से हम आलू को कद्दूकस कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये बड़े वाला है और इस छोटे वाले से अभी हम कद्दूकस करेंगे ताकि अच्छे से महीन कद्दूकस हो जाए। आलू को आप कद्दूकस जरूर करें जिससे कि इसके अंदर जो छोटे छोटे आलू के टुकड़े होते ना वो ना रहे पापड़ बनाते वक्त। तो इस तरीके से हम सारे आलू को कद्दूकस कर लेते हैं। आलू को कद्दूकस करने के बाद आप या तो हाथ से अच्छे से आलू को मैश करें या एक मैशर की सहायता से आलू को अच्छे से मैश कर लें ताकि आलू का ये जो मिश्रण है वो एक समान हो जाए। तो एक मैशर की सहायता से मैंने इन सारे आलू को अच्छे से मैश कर दिए हैं। आलू हमारे एक समान हो गए हैं और उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच जीरा। और उसके बाद मैंने ताज़ी फ्रेश लाल मिर्च ली थी 2, उनको मैंने दरदरा सा पीस लिया है तो वो भी डाल दी हैं। स्वाद के अनुसार हम इसमें सेंधा नमक डाल देते हैं, थोड़ा सा हम इसमें मीठा सोडा डाल देते हैं और ऊपर से हम इसमें डाल देते हैं कटा हुआ हरा धनिया। और 2 से 3 चम्मच हम इसमें तेल डाल देते हैं ताकि ये अच्छे से हमारे चिकना हो जाए ये आलू। और अच्छे से ये सब डालकर हम आलू के अंदर इनको मिक्स कर लेते हैं, मिला लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कितना कलरफुल ये मिश्रण लग रहा है हमारा आलू का। और इससे हम बनाएंगे आलू के खिचिया पापड़ जिसको हम व्रत में खा सकते हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पर एक सीट बिछा दी है बड़ी सी और वहीं हमने 2 छोटी छोटी सीट ले ली है पॉलीथीन वाली जिसके अंदर हम कपड़े वगैरह पैक करते हैं ना वो, तो वो हमने ले ली है। उनको हमने हल्का हल्का सा चिकना कर दिया है और अभी हम बनाएंगे इसकी लोइयाँ। तो अभी हम इन आलू की लोइयां बना लेते हैं। पापड़ की साइज आप अपने हिसाब से छोटी या बड़ी रख सकते हैं और उस हिसाब से आप लोई बनाएं। तो पहले अगर हम लोई बनाकर रखें ना तो पापड़ बनाना इजी हो जाता है, फिर फटाफट पापड़ बनाना ही रहता है। और उसके बाद ये जो हमने सीट बिछा के रखी थी वहाँ पर हम इस एक लोई को रखेंगे और उसके ऊपर हम ये पॉलीथीन वाली छोटी वाली सीट को रखेंगे और एक प्लेट से हम प्रेस करते हुए भार देते हुए हम इसका पापड़ बना लेते हैं। हल्का सा भार देना है, ज़्यादा भार नहीं देना है। और पापड़ हमारा बनकर तैयार है और आप देख सकते हैं कितना आसान है आलू के पापड़ बनाना। ना इसको सुखाने की झंझट है, बस लोई रखो और उसके ऊपर भार लगाओ तो पापड़ हमारा बनकर तैयार।
और बिल्कुल भी ये चिपकता नहीं है, बहुत इजीली ये पॉलीथीन भी हट जाती हैं। आप कोई प्लेट आप या चकला या कोई थाली भी ले सकते हैं बाहर लगाने के लिए। और इस तरीके से हम सारे पापड़ को बनाते जाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है ये पापड़ बनाने का। और इस बार पापड़ मैंने थोड़े से मोटे बनाए हैं, थोड़े से जाड़े बनाए हैं, ताकि इनको जब हम फ्राई करें, जब हम इनको तलें, तो ये जले नहीं। पिछली बार आप लोगों के बहुत कमेंट आए थे कि पापड़ बहुत पतले हैं और जब इनको फ्राई करते तो ये जल जाता है। हमें इनको ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना है, गर्म तेल में डालना है और हाथों हाथ बाहर निकाल देना है, क्योंकि ये वाले पापड़ बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं। तो आप इनको थोड़ा सा मोटा ही रखें, थोड़ा सा जाड़ा रखें, ताकि ये जल्दी से ना जले और खाने में भी ये अच्छे लगे। आप चाहे तो पतले भी बना सकते हैं और आप चाहे तो मोटे भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन मैंने इस बार थोड़े से मोटे बनाए हैं ताकि ये फ्राई करते वक्त जले नहीं। तो इस तरीके से हम अच्छे से इनको बना लेते हैं। आप ज़्यादा भार लगाएंगे तो पापड़ ज़्यादा पतले बनेंगे और कम भार लगाएंगे तो ये थोड़े से मोटे बनेंगे, जाड़े बनेंगे, जिससे कि ये अच्छे लगेंगे खाने में। जैसे हम चिप्स वगैरह खाते हैं ना, आलू की पापड़ी वगैरह, वैसे ही हमारे आलू के पापड़ बनके तैयार होंगे। तो इस तरीके से हम ये आलू के पापड़ बना रहे हैं। आप भी एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें। इन पापड़ को हम व्रत में भी खा सकते हैं, इन पापड़ की हम सब्जी भी बना सकते हैं, सब्जी भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो इस तरीके से हमने ये पापड़ बना दिए हैं। और आप देख सकते हैं बनाना भी कितना आसान है और दिखने में भी ये पापड़ कितने कलरफुल लग रहे हैं। तो फाइनली हमने सारे पापड़ बनाकर तैयार कर दिए हैं और इन पापड़ को हम 2 दिन तक सुखाने के लिए रखेंगे ताकि ये अच्छे से सूख जाए, क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा मोटा बनाया है इसलिए। और ये है दूसरे दिन का वीडियो। तो आप देख सकते हैं पापड़ हमारे हल्के हल्के से सूखने शुरू हो गए हैं, ये सिकुड़ने भी लग गए हैं, आप देख सकते हैं। तो पापड़ को अभी हम पलट लेते हैं और एक भी पापड़ फटा नहीं है। ये हमारे आलू के पापड़ बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हुए हैं। तो सारे पापड़ को मैंने पलट दिया है ताकि ये अच्छे से दोनों तरफ से सूख जाए। और ये है दूसरे दिन का वीडियो, जिससे कि आप देख सकते हैं पापड़ हमारे अच्छे से सूख चुके हैं। तो अभी हम इन पापड़ को लेके जा रहे हैं फ्राई करने के लिए। और अच्छे से पापड़ सूख चुके हैं, क्योंकि अच्छी धूप होनी चाहिए जिससे कि पापड़ अच्छे से सूख जाए। तो सारे पापड़ को हम डाल देते हैं एक बर्तन में। सिर्फ 1 या 1.5 किलो आलू से हमारे इतने सारे पापड़ बनकर तैयार हुए हैं। तो ये हमारे व्रत वाले आलू के पापड़ बनकर तैयार हो गए हैं और अभी हम चलते हैं इनको फ्राई करने के लिए। फ्राई करने के लिए हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में हम डाल देते हैं तेल। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है, एक चिमटे की सहायता से आप पापड़ को पकड़ें और दोनों तरफ से अच्छे से डिप करते हुए आप इसको बाहर निकाल दें। ऐसा नहीं है कि पापड़ को तेल में छोड़ दें या रहने दें, नहीं, ऐसे अगर आप ऐसा करोगे तो पापड़ आपका जल जाएगा। इसलिए चिमटे से पकड़ें और हाथ से जल्दी से फ्राई करके आप इन पापड़ को बाहर निकाल दें। तो लीजिए, क्रिस्पी से हमारे पापड़ बनकर तैयार हो चुके हैं। आप भी ज़रूर बनाएं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।